हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम आप लोग से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। बात यह है कि आजकल बहुत ऐसे स्टूडेंट देखते हैं कि थोड़ा मेहनत कर करके सोचते हैं कि हर एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमें एक सही गाइडलाइंस, सही सिलेबस। अब हम लोग पढ़ते वैसे चीज़ें हैं जो बिल्कुल रिलीवेंट नहीं होता है, जो पढ़ना चाहिए एक्चुअली वो हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। हम लोग सिलेबस को देखते ही नहीं हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जब मेहनत नहीं करते हैं तो मार्क्स जब वहाँ पे एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे पता चलता है कि कुछ और आ गया, और कुछ और आ गया जिसके कारण से आप जो मार्क्स ला सकते थे वो मार्क्स आप नहीं ला पाते हैं। तो इसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। लेकिन हम बता दें कि अगर उसको हम सही डायरेक्शन में लगाएँ, एक सही तरीके से मेहनत करें, सही सिलेबस को देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक छूटा है और कौन सा टॉपिक नहीं छूटा, अगर हम उस तरीके से अगर मेहनत करें तो सफलता भले शुरू में ना मिले लेकिन लेट से आगे वाले आने वाले एग्जाम में ज़रूर वो मिलेगा, क्योंकि आप लगभग मेहनत कर चुके हैं और जो मेहनत आपका बचा हुआ थोड़ा सा अगर जो बचा हुआ रहता वो आगे आप जैसे जैसे लगातार मेहनत करते जाते हैं आपका वो 100% वो सफलता हाथ लगती है। तो हम आए हैं आज खेत तरफ और सोचे कि थोड़ा सा वीडियो बना दें, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ऐसे बहुत बार पढ़ाई किए हैं और ये खेत देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये CGL का अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा एग्ज़ाम है तो पढ़ाई कर रहे हैं हम। मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस है ताकि आप मोटिवेट हो सकें, आप हिम्मत ना हारें। हमेशा देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट तुरंत हिम्मत आ जाते हैं, भाई हिम्मत तुरंत नहीं हारना है। जितने भी बहन लोग भी अगर देखती हैं तो किसी को हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, अपनी परेशानियों को बताना है टीचर से या खुद से रियलाइज़ करना कि क्या क्या कमी रह गया, सारे कमी को दूर करके हम लोग को आगे बढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हिम्मत मत हारिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन न एक दिन सफलता हाथ लगेगी। अगर मुझे मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं। तो थैंक यू वेरी मच।